अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पिज्जा सॉस। इसके लिए मैं ली हूँ 6 लाल टमाटे, इसको हम ऐसा कट्स लगा लिए। अब हम इसको बॉइलिंग वाटर, पानी बॉईल हो रहा, अब हम इसमें टमाटे डालेंगे। टमाटर को थोड़ी देर बॉईल करके हम निकाल, टमाटे अच्छे से बॉईल हो गए, अब हम इसका स्किन निकाल लेंगे। सारे टमाटरों का हम ऐसे स्किन निकाल लेंगे। टमाटरों के हम स्किन निकाल लिए, 4 टमाटरों को हम पीस लेंगे और 2 टमाटरों को मैश कर लेंगे इसके बींजा निकाल के। 4 टमाटरों का हम अच्छे से प्यूरी बना के रख लिए और 2 टमाटरों को हम मैश करके रख लिए इसके बींजा अलग करके। अब हम एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल हीट कर लिए। ऑयल हीट हो गया, अब हम इसमें थोड़े से लहसुन को हम बारीक बारीक करके डाल, टुकड़ों में करके डालेंगे। एक ऑनियन चॉप करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मैश किए हुए टमाटे ऐड करेंगे। मैश किए हुए टमाटे ऐड करके थोड़ी देर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। अब हम सॉस में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून शक्कर। सबको डाल के अच्छे सब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। पिज्जा सॉस, होममेड पिज्जा सॉस बन के रेडी हो गया। ठंडा होने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। होममेड पिज्जा सॉस बन के रेडी हो गया। अगर घर में अगर पिज्जा सॉस बन के रेडी है तो आप कभी भी आप लोग पिज्जा बना के खा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पिज्जा सॉस की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छी अच्छी डिशेस के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।